भारत ने दहशतगर्द कुलभूषण तक कौंसलर रसाई का पहला मौका गंवा दिया। पाकिस्तान की मुखलिसाना पेशकश पर शर्तें आयद कर दी। भारत ने कुलभूषण तक बगैर किसी रुकावट के रसाई मांगी। कानून के मुताबिक जासूस तक बगैर रुकावट रसाई नहीं दी जा सकती। It's really up to Prime Minister Modi, and I met with Prime Minister Khan. I got along great with, I think they're fantastic people, but if they wanted somebody to intervene or to help them, and I spoke with Pakistan about that, and I spoke frankly to India about it, if I can, if they wanted me to, I would certainly intervene. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मसले कश्मीर पर सालिसी की पेशकश पर कायम। दोनों ममालिक चाहें तो मसले कश्मीर पर किरदार अदा करने के लिए तैयार हूं। इमरान खान और मोदी जबरदस्त इंसान हैं, लेकिन सालिसी का दारोमदार नरेंद्र मोदी पर है। कश्मीर और अफगानिस्तान का मसला हल होगा तो पूरे खित्ते में खुशहाली आएगी। भारत की एक बार फिर हट धर्मी। कश्मीर पर अमरीकी सालिसी कबूल करने से इनकार। ये दो तरफा मामला है, किसी की सालिसी कबूल नहीं। मसले कश्मीर पर बात पाकिस्तान के साथ होगी। भारतीय वजीर खारजा एस जय शंकर का ट्वीट। आर्मी चीफ से अमरीकी नुमाइंदे खसूसी जलमे खलील जात की मुलाकात। अफगानिस्तान में जारी मफामती अमल पर तबादला ख्याल। मुश्तरका मकासद के लिए तआवुन जारी रखने पर इत्तेफाक। एक बरसात में 22 जाने गई। कराची में कोहराम मच गया। मरने वालों के वर्षा इंसाफ के मुंतजर। जमात इस्लामिका के इलेक्ट्री के दफ्तर के सामने धरना। मुजाहरीन का के इलेक्ट्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालिबा। विफाकी वजीर उमर अयूब कहते हैं हलाकतें उनकी हुई जो कुंडे लगाकर बिजली चोरी करते हैं। कराची में करंट लगने से हलाकतें क्यों हुई? बारिश रुकने के बाद भी बिजली बहाल क्यों ना हुई? नेपरा का हकायक जानने के लिए तकनीकी टीम कराची भेजने का फैसला। नेपरा टीम के इलेक्ट्रिक और हेस्को का दौरा करेगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को दगाबाजों की तलाश। दोनों पार्टियों ने कमेटियां बना दी। राणा मकबूल नून लीग की कमेटी के सरबराह होंगे। बिलावल भुट्टो ने भी 5 रुकनी कमेटी बना दी। क्या कमेटियां दगाबाजों को ढूंढ पाएंगी? जो पहले कभी ना हुआ वो इस बार कैसे होगा, अहम सवाल। वोट ना देने वाले अपनी पार्टियों के सिलेक्टेड थे। शहबाज शरीफ क्या इजलास कर रहे हैं? पहले मरियम और शहबाज शरीफ खुद एक प्लेटफॉर्म पर आए। मरियम आंखें दिखाकर बाप को बचाना चाहती है। शहबाज शरीफ जी हजूरी करके बेटा बचाना चाहते हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद का दावा। वजीर आजम इमरान खान से सादिक संजरानी की मुलाकात। इमरान खान ने चेयरमैन सेनेट को मुबारकबाद दी। कहते हैं सेनेटर्स का एतमाद कायदाना सलाहितों का सबूत है। टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में एक हफ्ते की तौसी। एफबीआर के मुताबिक टैक्स गुजार 9 अगस्त तक गोशवारे जमा करा सकते हैं। 2018 के टैक्स गोशवारे जमा करवाने वालों की तादाद 22,81,000 से तजावुज कर गई। इत्तेफाक राय से फैसला किया गया कि आज चांद नजर आ गया है और यकुम जुल्हिज्जा 1440 हिजरी हफ्ता 3 अगस्त को और ईद उल अज़हा इंशाअल्लाहुल अज़ीज 12 अगस्त 2019 बरोज़े सोमवार होगी। जिलहज का चांद नजर आ गया। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा पीर 12 अगस्त को होगी। बादलों की एक और भरपूर इनिंग्स खेलने की तैयारी। बलाई पंजाब हजारा मर्दान और पिशावर में बारिश का इम्कान। आज गुजरावाला लाहौर और कश्मीर में भी बादल बरसेंगे। कराची में मौसम अबर आलूद रहने की पेशगोई। हमारी आन बान शान, हमारा प्यारा पाकिस्तान, आजादी का जश्न, हर कोई तैयारी में मगन। मुख्तलिफ शहरों में सब्ज हिलाली परचमों की बहार। और दिल वाले दुल्हनियां भारत से ही लाएंगे। हसन अली ने अपनी शादी की खबर की तस्दीक कर दी। कहते हैं 20 अगस्त को दुबई में निकाह होगा। साल पहले डिनर में मुलाकात मोहब्बत में बदल गई। शादी की पेशकश पर सामिया शर्माई फिर हाँ कर दी।
भारत ने दहशतगर्द कुलभूषण तक कौंसलर रसाई का पहला मौका गंवा दिया। पाकिस्तान की मुखलिसाना पेशकश पर शर्तें आयद कर दी। भारत ने कुलभूषण तक बगैर किसी रुकावट के रसाई मांगी। कानून के मुताबिक जासूस तक बगैर रुकावट रसाई नहीं दी जा सकती। It's really up to Prime Minister Modi, and I met with Prime Minister Khan. I got along great with. I think they're fantastic people. But if they wanted somebody to intervene or to help them, and I spoke with Pakistan about that, and I spoke frankly to India about it. If I can, if they wanted me to, I would certainly intervene. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मसले कश्मीर पर सालिसी की पेशकश पर कायम। दोनों ममालिक चाहें तो मसले कश्मीर पर किरदार अदा करने के लिए तैयार हूं। इमरान खान और मोदी जबरदस्त इंसान हैं, लेकिन सालिसी का दारोमदार नरेंद्र मोदी पर है। कश्मीर और अफगानिस्तान का मसला हल होगा तो पूरे खित्ते में खुशहाली आएगी। भारत की एक बार फिर हट धर्मी। कश्मीर पर अमरीकी सालिसी कबूल करने से इनकार। ये दो तरफा मामला है, किसी की सालिसी कबूल नहीं। मसले कश्मीर पर बात पाकिस्तान के साथ होगी। भारतीय वजीर खारजा एस जय शंकर का ट्वीट। आर्मी चीफ से अमरीकी नुमाइंदा खसूसी जलमे खलील जात की मुलाकात। अफगानिस्तान में जारी मफामती अमल पर तबादला ख्याल। मुश्तरका मकासद के लिए तआवुन जारी रखने पर इत्तेफाक। एक बरसात में 22 जाने गई। कराची में कोहराम मच गया। मरने वालों के वर्सा इंसाफ के मुंतजर। जमात इस्लामिका के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के सामने धरना। मुजाहरीन का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालिबा। विफाकी वजीर उमर अयूब कहते हैं हलाकतें उनकी हुई जो कुंडे लगाकर बिजली चोरी करते हैं। कराची में करंट लगने से हलाकतें क्यों हुई? बारिश रुकने के बाद भी बिजली बहाल क्यों ना हुई? नेपरा का हकायक जानने के लिए तकनीकी टीम कराची भेजने का फैसला। नेपरा टीम के इलेक्ट्रिक और हेस्को का दौरा करेगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को दगाबाजों की तलाश। दोनों पार्टियों ने कमेटियां बना दी। राणा मकबूल नून लीग की कमेटी के सरबराह होंगे। बिलावल भुट्टो ने भी 5 रुकनी कमेटी बना दी। क्या कमेटियां दगाबाजों को ढूंढ पाएंगी? जो पहले कभी ना हुआ वो इस बार कैसे होगा, अहम सवाल। वोट ना देने वाले अपनी पार्टियों के सिलेक्टेड थे। शहबाज शरीफ क्या इजलास कर रहे हैं? पहले मरियम और शहबाज शरीफ खुद एक प्लेटफॉर्म पर आए। मरियम आंखें दिखाकर बाप को बचाना चाहती है। शहबाज शरीफ जी हजूरी करके बेटा बचाना चाहते हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद का दावा। वजीर आजम इमरान खान से सादिक संजरानी की मुलाकात। इमरान खान ने चेयरमैन सेनेट को मुबारकबाद दी। कहते हैं सेनेटर्स का एतमाद कायदाना सलाहितों का सबूत है। टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में एक हफ्ते की तौसी। एफबीआर के मुताबिक टैक्स गुजार 9 अगस्त तक गोशवारे जमा करा सकते हैं। 2018 के टैक्स गोशवारे जमा करवाने वालों की तादाद 22,81,000 से तजावुज कर गई। इत्तेफाक राय से फैसला किया गया कि आज चांद नजर आ गया है और यकुम जुल्हिज्जा 1440 हिजरी हफ्ता 3 अगस्त को और ईद उल अज़हा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 12 अगस्त 2019 बरोज़े सोमवार होगी। जिलहज का चांद नजर आ गया। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा पीर 12 अगस्त को होगी। बादलों की एक और भरपूर इनिंग्स खेलने की तैयारी। बलाई पंजाब हजारा मर्दान और पिशावर में बारिश का इम्कान। आज गुजरावाला लाहौर और कश्मीर में भी बादल बरसेंगे। कराची में मौसम अबर आलूद रहने की पेशगोई। हमारी आन बान शान, हमारा प्यारा पाकिस्तान, आजादी का जश्न, हर कोई तैयारी में मगन। मुख्तलिफ शहरों में सब्ज हिलाली परचमों की बहार और दिल वाले दुल्हनिया भारत से ही लाएंगे। हसन अली ने अपनी शादी की खबर की तस्दीक कर दी। कहते हैं 20 अगस्त को दुबई में निकाह होगा। साल पहले डिनर में मुलाकात मोहब्बत में बदल गई। शादी की पेशकश पर सामिया शर्माई फिर हाँ कर।